ओके तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। आपको रिकॉल करा दूं, इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे, तो वहां पे हमने क्या किया था, कुछ आपको इधर वाई एक्स दिया हुआ था, इधर कुछ एफ एक्स दिया हुआ था, प्लस इधर इंटीग्रेशन था इस टाइप से। तो हमने क्या किया था, इधर से डेरिवेटिव करके एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, वहां से हमें इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया था और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था। एक तो मेथड ए था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा हटके करेंगे। आज के हमारे मेथड में क्या है, सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालने के लिए एंड रिजोल्वेंट कर्नल मेथड से निकालने के लिए, ठीक है। तो जो आज हम देखेंगे उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक दोनों मेंशन कर दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। ओके, तो आपको जनरल स्ट्रक्चर तो याद ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि आपका इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर क्या हो रहा था। कुछ इस टाइप से था, वाई एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू, आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन का स्ट्रक्चर ये हो रहा था। और इसमें हमने दो टाइप पढ़ा था, जी एक्स इक्वल टू वन और जी एक्स इक्वल टू जीरो, ये था आपका फर्स्ट काइंड, ठीक है, और ये था आपका सेकेंड काइंड। ओके, एंड अगर आपके पास एफ एक्स जीरो था, आपके पास एफ एक्स जीरो था तो क्या था, होमोजीनियस, ठीक है, ये हमने रिकॉल कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब जो हम करेंगे इंटीग्रल जो सॉल्यूशन यहां निकालने की हम बात कर रहे हैं, वो निकलता है आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है सेकेंड काइंड का, ठीक है, दैट इज जी एक्स इक्वल टू वन के लिए। ओके, शो फॉर इंटीग्रल इक्वेशन, इन शॉर्ट में आई लिख दे रहा हूं, तो इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, फॉर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड या कर लीजिए सेकेंड टाइप, आइदर फ्रेडलम और वोल्टेरा दोनों ले लीजिए, क्योंकि एक ही केस में हम दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, आइदर फ्रेडलम और वोल्टेरा, ठीक है। फॉर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, हमने दो पढ़ा था, वोल्टेरा और फ्रेडलम, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू सोल्व दे, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दो मेथड है हमारे पास जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे अभी आपका फ्रेडलम के लिए पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग वोल्टेरा के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है सेकेंड काइंड का, पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड काइंड का किस टाइप से होता था, फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसका मल्टीप्लायर वन कर देना था बस। ओके, और फ्रेडलम है तो कांस्टेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका ए टू बी, इंटीग्रेशन में था कर्नल और अननोन फंक्शन वाई टी डी टी, इसको कुछ इक्वेशन नंबर टू में नाम दे दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन वन मैंने ऊपर दिया था ना। ओके, शो सो टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वन, वन मतलब फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन, वी में यूज जो भी हमने दो मेथड ऊपर देखा था, तो कोई वी में यूज एनी वन ऑफ, तो टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ वन वी में यूज एनी वन ऑफ एबव मेथड। एबव मेथड हमने क्या बात किया था, अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड आपका रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे काम करता है और क्या होता है। तो फर्स्ट ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, ये जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये एक तरह से क्रैश कोर्स है आपका, ये टॉपिक गेट में तो इसे क्वेश्चन नहीं आता है, पहले आता था लेकिन अभी सिलेबस से हटा दिया है। तो ये सीसीआईआर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर
और एक पीएससी एग्जाम होता है उसमें, इसमें बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली मेथोडोलॉजी बता दे रहा हूँ क्या करना होता है आपको। आप इनिशियली क्या करिए, टेक अप्रोक्सीमेशन, मतलब हमें अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो आप इनिशियल सॉल्यूशन ले लीजिए कुछ एफ एक्स। एफ एक्स क्या था, जो आपके इक्वेशन में दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एफ एक्स क्या रहा, यहाँ पे मेंशन है वही एफ एक्स है। ठीक है, तो आपको वाई नोट क्या करना है, एफ एक्स को ले लेना है। ठीक है, तो लेट टेक इतना एज ए इनिशियल सोल्यूशन, इनिशियल सोल्यूशन आपको इनिशियल सोल्यूशन इसको लेके चलना है। ओके, टेक या कर लीजिए या लेट कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ओके, देन देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द सोल्यूशन ऑफ टू, टू हमने क्या लिया था, फ्रेडलामेटिकल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द सोल्यूशन ऑफ टू इज गिवेन एज, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ओके, आपको क्या करना है, अगर वाई नॉट एक्स पता चल गया तो हमें टी लेना होगा। मान लो हमें वाई नॉट टी लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो वाई नॉट निकला था इसमें एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे, और ये लेंगे तो क्या एफ एक्स था, तो अभी क्या बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो इतना हमने इनिशियली वाई नॉट के ले लिया था। देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द सोल्यूशन ऑफ वन इज दिस, ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया जो हमने एज्यूम किया था। अब हमारा काम अब यहां से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा वाई वन ऐसे। ओके, वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका एफ एक्स दिया था वो एफ एक्स एज इट ले लीजिए, फिर लेमडा टाइम्स दिया हुआ था, ए टू बी भी हमें दिया हुआ था, ए टू बी ले लीजिए, फिर कर्नल दिया हुआ था एक्स टी ए ले लीजिए। एंड देन अब आपने जो हमारा ये इनिशियल सॉल्यूशन, मतलब ये सेकंड है ना, तो आपको प्रीवियस वन यूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका वाई जीरो टी डी टी। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, देन आपका ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है ना, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई एन वाई वन टी हमें निकालना, वाई वन टी क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करो एक्स की जगह टी रख दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जो भी वाई वन एक्स आएगा, आप क्या करना एक्स इक्वल टू टी ले लेना। ओके, अब सिमिलरली इसी तरह हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ओके, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स। ओके, वाई टू एक्स क्या होगा, जो हमें इक्वेशन टू रिकॉल करिए, पीछे वीडियो करके आप लोग देख सकते हैं, लेमडा टाइम्स ए टू बी। ओके, कर्नल एज इट रह जाएगा आपका एक्स टी। अब ये जो y1 y0 था, अब आपका क्या y1 निकल गया, तो अब आपको क्या यूज कर लेना है y1t। ओके, तो अब आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपको यही एक्टिविटी करते रहना है। ठीक है, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि कब तक हम करेंगे। ओके, तो मैं nth निकाल लेता हूं, n प्लस वन वाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स रह जाएगा अगर ये पैटर्न फॉलो करें तो, लेमडा ए टू बी, कर्नल भी हमारा चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये टू था तो ए वन था, ये वन था तो यहाँ पे जीरो था, तो इसका मतलब अगर ए एन एथ लिया है, एन प्लस वन लिया तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा वाई एन टी डी टी। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, देन असली काम यहां शुरू हो रहा है, देन सोल्यूशन ऑफ टू इज गिवेन बाई, गिवेन बाय क्या, वाई एक्स। अब ए वाई एक्स क्या होगा, तो आपको लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ले लेना है, जो ए एन लिया था हमने यहाँ एन तक लिया ना, तो इसको एन टेंस टू इंफिनिटी ले लीजिए और वाई एन प्लस वन एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब ए जो आपका निकलेगा, ए निकलेगा सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसको बॉक्स बना लेते हैं, यही आपका है। आपने क्या किया, क्विक रिव्यू करिए, आपने क्या किया, जो एफ एक्स दिया हुआ था आपके फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन में, मैं यहाँ पे क्विकली दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एफ एक्स दिया था इसको मैंने इनिशियल मान लिया, यहाँ पे माना था, फिर क्या किया इसको पुट, अब इसको जो हमें फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ने दिया हुआ था, जो जो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन हमें दिया था, बस वहां पे वाई जीरो वाई वन यही रिकर्सिवली रखते जा रहे हैं, और पूरा सोल्व करने के बाद जो मिल रहा है वो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन मिल रहा है, और लास्ट हमने एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका लिमिट ले लिया और जो आया वही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आपका एग्जाम्पल यूं कह लीजिए कि इफ ओके जीरो से माइनस फ्रेडलम हो गया, इधर मल्टीप्लायर वन है, शो सेकेंड कैंड का हो गया, देन ये गेट का या गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछता था अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, देन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इज, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मतलब उसमें थोड़ा बहुत इरर भी होता है, ऑलमोस्ट इक्वल भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नॉट इक्वल, दूसरा एक्स ले लीजिए, तीसरा कुछ साइन एक्स ले लीजिए, चौथा कुछ एक्स प्लस यू टू एक्स ले लीजिए, और मैं एक अपने तरफ से पांचवा ऐड कर दे रहा हूँ नन, ठीक है, ताकि कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आपका नन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके जो पीछे का मेथड हमने किया था ट्राई करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने की उसकी हेल्प से। ओके सो मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ, सोल्यूशन जैसे बहुत, अब अगर नेट में क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रिक से सोल्व करना होगा, ट्रिक से क्या सोल्व करना होगा, आप एनी हाउस सोल्व करके एक्स ही निकालोगे ना, अब जो आएगा वही चीज आप बताओगे, ठीक है, तो मैं कुछ चीजें ना देख लो सोल्व करके देख ले रहा हूँ कैसे, ट्रिक क्या है, आप इनिशियल जैसे जीरो है ना, आप जीरो पुट करके देख लीजिए, ठीक है, तो जीरो से हमारा इजिली हो जाएगा, तो जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ई टू दी पावर जीरो माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन, और अंदर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन, तो यू जीरो पे हमारा क्या दे रहा, वन दे रहा, तो वन दे रहा, तो यू जीरो पे वन दे रहा, ऑप्शन सेकंड डिस्कार्डेड। ओके तो हमारे मेथड के अनुसार क्या था, इस ए हमारा एफ था, ओके हियर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए टू डी एक्स, और हमने क्या किया था, इस एफ एक्स को इनिशियल सोल्यूशन माना था, शो हम लोग इसको इनिशियल शो टेक वाई नॉट यू है ना, टेक यू नॉट एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस ई टू एक्स, ओके शो अब हमारा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, इवन अब हमें कैलकुलेट करना है, ओके ओके अब हो जाएगा इवन आपका एक्स एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स जो भी था, तो कुछ ए टू बी, और ये आपका कर्नल हो रहा था, और जो आपका पिछला निकला था अगर हमने यू का टर्म में लिया है यू जीरो टी डी टी रख दीजिए, एफ एक्स आपका क्या था एक्स प्लस ई टू एक्स प्लस लेमडा आपका क्या था, क्वेश्चन में लेमडा माइनस वन है, ओके तो लेमडा की जगह हम लोग माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन लिमिट था आपका जीरो टू वन था, तो जीरो टू वन हो गया, कर्नल था एक्स टी, एंड अब ए हमने क्या माना है, ये देखिए यहाँ एज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा आपका टी प्लस ई टू टी और ए डी टी, क्लियर, ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस जीरो टू वन, ओके इधर करेंगे तो इसको सिंपली ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसके एक्स का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक्स को हम लोग बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स ई टू टी डी टी, ओके ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये एक्स एज इट आ जाएगा प्लस ई टू एक्स, ए एक्स तो फ्री है तो इस माइनस एक्स को हमने बाहर कर दिया, अब इंटीग्रेशन किया, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी क्यू बाई थ्री हो जाएगा, ओके टी क्यू बाई थ्री हो गया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो टी के रिस्पेक्ट में किया ई के रिस्पेक्ट में किया, तो ये हो जाएगा टी इंटू ई टू टी, फिर माइनस टी का डेरिवेटिव वन, ई टू टी का इंटीग्रेशन वन, तो ये हो जाएगा ई टू टी जीरो टू वन, ओके अब ये हो जाएगा एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस एक्स टाइम वन रखेंगे, तो वन बाई थ्री प्लस ई माइनस ई, ओके और जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस वन, ये चीज आ जाएगा, देखिए मैं पूरा डिटेल्स में सोल्व करते जा रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो, ओके ये हो गया एक्स प्लस ई टू एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन और प्लस वन बाई थ्री बचा, तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस थ्री वन फोर बाई थ्री हो जाएगा ना, ओके तो ये हो जाएगा माइनस फोर बाई थ्री एक्स, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ई टू एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स,
ये निकला। ओके अब इसी तरह आपको एक दो और कैलकुलेट कर लेना है, तो ई टू एक्स क्या हो जाएगा, मैं क्विकली अब कर रहा हूँ, एक्स ई टू एक्स माइनस जीरो टू वन, यहाँ पे था एक्स टी, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू टी माइनस वन बाई थ्री टी डी टी। ठीक है, अब क्विकली मैं सोल्व करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेथड समझ गए हैं, मेथड समझ गए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स प्लस ई टू एक्स ओके माइनस जीरो टू वन ओके, एक्स एजिट आ गया, ए हो गया टी ई टू टी माइनस वन बाई थ्री टी स्क्वायर डी टी। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स प्लस ई टू एक्स माइनस, इस एक्स को तो बाहर रख लेते हैं, और इसका सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, मैं लिमिट भी पूर कर ले रहा हूँ, तो इसका करेंगे तो टी स्क्वायर बाई फोर क्यूब था ना, तो यहाँ पे नाइन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन बाई नाइन दे देगा, और इसका करेंगे तो पीछे हमने इंटीग्रेशन किया था उसके अनुसार करेंगे तो वन पे तो कट जाएगा, और जीरो पे क्या आ रहा था, वन आ रहा था, आपका प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व किए तो ए माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, इसका बचेगा ई टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाई नाइन एक्स। ठीक है, दैट इज, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं वन बाई थ्री स्क्वायर एक्स। मैंने थ्री स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यू टू एक्स कैलकुलेट किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ रिलेशन आ जाए इस टू से। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलो एक और मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें। ओके, यू थ्री एक्स क्या होगा, क्विकली सोल्व करिए, इधर हो जाएगा एक्स प्लस ई टू एक्स ओके माइनस जीरो टू वन, इधर ही आ गया ना, इधर था एक्स टी, इधर हो जाएगा ई टू टी प्लस वन बाई नाइन टी डी टी, और मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपका ड्यूटी होगा इसको वेरीफाई करिए, इसको सोल्व करिएगा तो आएगा आपका ई टू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर थ्री क्यूब। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री था तो पावर में थ्री आया, यहाँ पे टू था तो यहाँ पे टू आया, तो मेरे को पैटर्न यहाँ से दिख गया। ओके, ठीक है, तो इन जनरल ए करते जाएंगे हम लोग तो क्या देगा, यूएन, ये आ जाएगा यूएन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स ई टू एक्स आ रहा ना पहले। ओके, तो यूएन एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई टू एक्स प्लस, थ्री था तो माइनस था, टू था तो प्लस था, मतलब साइन भी अल्टरनेटली बदल रहा है, तो माइनस वन के पावर एन ले ले रहा हूं, और ए एक्स, और हो जाएगा थ्री टू द पावर एन। ठीक है, सो सोल्यूशन यू एन एक्स ये क्या दे देगा, सॉरी ये तो निकल गया ना, अब हमें निकल गया, सो सोल्यूशन यू एक्स विल बी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन एक्स इक्वल टू, इधर लिमिट टेंड करेंगे तो ए तो एजिट रह जाएगा, और थ्री का पावर एन है तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, तो ए प्लस जीरो हो जाएगा, यानी ए ई टू एक्स दे देगा। ठीक है, तो ए देखिए आपका ऑप्शन ए आ गया ट्रू, दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन ए क्या था। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना था, ये आपको समझाना था इसलिए इतना लंबा गया, देखिए ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट था और थर्ड साइन एक्स था, तो यहाँ से भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप आपका ड्यूटी क्या रहेगा, इस टाइप के नेट में काफी क्वेश्चन पूछे हुए, तो आपका ड्यूटी रहेगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सोल्व करें। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड करवा देता हूं। सेकंड मेथड आपका क्या है, सेकंड मेथड है रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड, क्या हो गया रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। ओके, इसमें एक बार क्विकली मैं फंक्शन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पीछे स्क्रॉल करना पड़ेगा, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए टू बी, यहाँ कर्नल था एक्स टी और ये हो गया वाई टी डी टी, ये था हमारा फंडामेंटल इक्वेशन इसमें। ओके, तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ओके, तो फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड को सोल्व करने का जो दूसरा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। ओके, दैट इज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड। ओके, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप का होगा, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर देते हैं, टू फाइंड सॉल्यूशन नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, देन
देन इट्स सॉल्यूशन, देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवेन बाय, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स एज इट रह जाएगा, ओके, प्लस ए लेमडा एज इट रह जाएगा ए टू बी। अब इस देखिए कर्नल की जगह हमें क्या लिख देना है, रिजोल्वेंट कर्नल, रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा, आर एक्स टी लेमडा, ओके, और ये जो वाई टी था यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये एफ टी आ जाएगा, ये वाला एफ टी डी टी, तो ए हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसमें आप तो सब टर्म जानते हैं, आपके पास नया टर्म क्या हो गया, रिजोल्वेंट कर्नल ए चीज आ गया, ठीक है, तो ए क्या होता है इसका देख लेते हैं, वेयर आर एक्स टी लेमडा इज नोन एज रिजोल्वेंट कर्नल, ओके, रिजोल्वेंट कर्नल एंड इट इज गिवेन बाई, इसको हम लोग रिजोल्वेंट कर्नल बोलते हैं, और वो कुछ डिफाइन कैसे किया गया, गिवेन बाई या डिफाइंड बाई कैसे, आर एक्स सॉरी आर एक्स टी लेमडा था ना, आर एक्स टी लेमडा, ये कैसे दिया हुआ है, समेशन लेना है हमें, कुछ मान लीजिए एम से ले ले रहे हैं, क्योंकि एम तो हम ऑलरेडी यूज किए थे, तो मान लीजिए एम से वन, लेमडा आपको नोन था, ठीक है, लेमडा नोन था, तो लेमडा टू दी पावर माइनस वन, एम माइनस वन इंटू कर्नल के एम एक्स टी। अब आपके पास फिर से एक नया आ गया कि के एम एक्स टी क्या है, ओके, तो के एम एक्स टी में बता दे रहा हूँ, के एम एक्स टी क्या है, तो यहाँ पे जो के एम एक्स टी आपका गिवन होगा, एन डी टी गिवन भाई इतना, एंड जो के वन एक्स टी होता है, जो आपका ओरिजिनल कर्नल दिया रहेगा उसी को आपको ले लेना है के एक्स टी, एंड जो नेक्स्ट वन होगा के एम एक्स टी, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी ले लेना है, कि के एक्स एस इंटू यहां पे इंट किया, यहां से एम माइनस वन, एम का ले रहे हैं, तो एम माइनस वन एस टी, और ये हो जाएगा आपका डी एस, ठीक है। तो यहां से आपने देखा होगा कि आपको एक इस टाइप का वोल्टेरा एंड सॉरी फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन दिया था सेकंड काइंड का, तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली हमने बता दिया, ये होता है इसमें जो हमें एक रिजोल्वेंट कर्नल का काम पड़ा, रिजोल्वेंट कर्नल कुछ कैसे होता है, इस टाइप से डिफाइंड था, इसमें कुछ केएम आ गया, अब केएम क्या था, इस टाइप से कुछ डिफाइंड है, तो एक कैलकुलेशन करके हम लोग वो करते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बता दूं, यहाँ जो एम होगा ऑब्वियस सी बात है एम ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, ठीक है, ओके, तो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, एग्जाम्पल क्या है, वही निकालना सीखते हैं, फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल और कोई हमें इंटीग्रल इक्वेशन दिया होगा, तो पहले हम लोग कर्नल के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर के एक्स टी हमें दिया हुआ है ई टू एक्स प्लस टी, ओके, और ए इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और बी इक्वल टू वन दिया है, हमारा जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन हो रहा था ना, जो इंटीग्रेशन लिमिट था, तो वो ए टू बी था, तो ए को मैंने जीरो ले लिया और बी को वन ले लिया, तो डायरेक्टली हम लोग सोल्व करके देखते हैं कैसे निकलता है, मेथड को अप्लाई करना सीखते हैं, ओके, तो सॉल्यूशन क्या, हमें रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है ना, निकालते हैं, तो पहले हम के एन के वन क्या मानेंगे, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक्स टी, तो इसी को ले लीजिए ई टू एक्स प्लस टी, ओके, देन अब पीछे वाला फॉर्मूला लगाइए, तो के टू एक्स टी क्या हो जाएगा, जो हम लिमिट ले रहे थे ए टू बी के, अच्छा यहीं पे मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ये जस्ट ऊपर रहा, ये देखिए, तो आपको इसको यूज करना है, इसको ए यूज करेंगे, तो के एक्स क्या हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे ए टू बी हो जाएगा, अब इसके जगह ए आ जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा ई टू एक्स प्लस एस, ओके, और ए वाला अभी तो आपका सेम ही है, टू रखोगे तो ए वन हो जाएगा, वन पे भी क्या है सेम ही है, ए हो जाएगा इन टू ई टू द पावर एस प्लस टी, और ये हो जाएगा डी एस, ओके, अभी देख रहे होंगे आपका ए एस का फंक्शन है, तो मतलब यहां से ई टू एक्स प्लस टी डायरेक्टली आपका बाहर आ जाएगा,
बचा क्या, ए इक्वल टू जीरो था, बी इक्वल टू वन था, तो इधर बचा ई टू दी पावर टू एस डी एच, यही बचा ना आपका। ओके अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो ए टू एक्स प्लस टी हो जाएगा ई टू टू एस और ओपन में टू फ्रॉम जीरो टू वन, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट एक्स प्लस टी इंटू ई टू टू बाई टू माइनस वन बाई टू। ओके दैट इज योर के टू एक्स टी विल बी ए टू एक्स प्लस टी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू। ओके आप लोग अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इतना आ रहा है क्या? ओके अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है के थ्री एक्स टी। के थ्री एक्स टी क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन कर रही है, जैसे हमने सिमिलरली पीछे का किया था क्या, जीरो टू वन। के एक्स टी क्या था आपका, ए टू एक्स टी था, तो एक्स की जगह एक्स और टी की जगह एस, तो ये हो जाएगा। ओके ओके तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन देखिए, यहां से फिर ए पूरा तो कॉन्स्टेंट टर्म ही है, ये तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, इसका तो वैसे भी कोई रोल नहीं है, तो ई स्क्वायर। ओके तो यहां से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्या, एक्स प्लस टी इंटू ए भी कॉन्स्टेंट है तो ए आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू, इतना बाहर आ गया। अब जो रेस्ट बचा आपका जीरो टू वन हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू टू एस, फिर से हो जाएगा डी एच। अब ए आपका हो जाएगा ई टू एक्स प्लस टी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू, इधर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही दे देगा ई टू टू एस बाई टू जीरो टू वन। ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस टी ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है तो आई होप आप लोग का भी इतना आया होगा, ई के पावर एक्स प्लस टी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ओके तो इसको हम लोग जनरलाइज करते जाएंगे तो दस हमें एमएथ टर्म क्या मिल जाएगा, दस के एम एक्स टी क्या मिल जाएगा, इसको अगर जनरलाइज करें तो देखिए थ्री था तो टू हुआ, ठीक है तो इधर हो जाएगा एक्स प्लस टी। ओके थ्री था तो टू हुआ, टू था तो वन था, तो इधर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू के पावर एम माइनस वन। ओके सो अब हमें क्या करना होगा, के में एक्स टी पता चल गया तो हमें रिजोल्वेंट करना निकालना होगा, ठीक है इसलिए रिजोल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, आर एक्स टी लेमडा इज क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं एक्स टी लेमडा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कुछ इनफाइनाइट सम ले रहे थे कहां से, एम इक्वल टू वन से ले लीजिए और ये था लेमडा के पावर, रिकॉल करिए आप लोग लेमडा के पावर एम माइनस वन इंटू के एस टी, ये चीज था आपका। और के एम एक्स टी क्या आ रहा था आपका, ए टू एक्स प्लस टी इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू के पावर एम की जगह आप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा एम माइनस वन, इतना चीज था। अब देखिए इसका भी पावर एम माइनस वन है, इसका भी पावर एम माइनस वन है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं और ये तो इसे फ्री है तो इसको हम लोग डायरेक्टली बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस टी तो बाहर हो जाएगा और समेशन में आ जाएगा लेमडा टाइम्स ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू और इसका हो एम माइनस वन, ये चीज आ जाएगा आपका। ओके ओके अब देखिए ये एक सीरीज बन गया आपका, तो जैसे हम लोग रियल एनालिसिस में करते थे क्या, रियल एनालिसिस में था कि अगर एक कन्वर्ज करेगा कब, जब ये लिमिट इसका जीरो पर जा रहा है, ठीक है दैट इज, तो यहां तो हमें सोल्यूशन निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है कन्वर्ज कराना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देना है, सो इट कन्वर्ज ओनली इफ क्या, ये जो है इसका मॉडुलर ले लीजिए लेमडा इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू लेस देन क्या हो वन हो, ठीक है दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से तो हमारा आ जाएगा मोड लेमडा, ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर माइनस वन और बटा में टू लेस देन वन। ओके तो यहां से मोड लेमडा क्या आ जाएगा, लेस देन हो जाएगा टू बाई ई स्क्वायर माइनस वन, क्लियर मेरा कैलकुलेशन सही है। ओके
अब यहां से ये हो गया कि जो हमारा गिवन रिजोल्वमेंट कर्नल है, ठीक है, हमारा तो आंसर आपका यहीं तक आ गया, ये आपका आंसर था और हमने बता दिया कि ये सॉल्यूशन कन्वर्ज करेगा अगर हमारा लैम्डा का वैल्यू जो भी है इससे छोटा हो, ठीक है, तो क्लियर, ओके, तो आप प्रॉब्लम पीछे देख सकते हैं हमने क्विकली किया। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम क्या करेंगे, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये तो फर्स्ट टाइम था तो आपको बताने के लिए मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया, ओके, तो मैं एक दो होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिएगा, आंसर भी बता दूंगा ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको, ओके, होमवर्क क्या है आपका, मैं डायरेक्टली कर्नल दे रहा हूं आपको, आपका कर्नल जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगा उसका एक्सटी दिया हुआ है और लैम्डा भी दे दिया 1/2 और ए आपका दिया हुआ है 0 और बी दिया हुआ है 1, ओके, आपका जो आंसर आएगा वो मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा, आपका जो आर एक्स टी लैम्डा ए आएगा आपका एक्स टी टाइम्स 1/3 टू द पावर एम माइनस 1 आएगा, ओके, एंड ठीक है ये आ जाएगा और शायद इसमें अगर लेमडा का वैल्यू आएगा तो कन्वर्जेंट के लिए आपका कुछ इस टाइप का कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन आएगा, मतलब मैक्सिमम आपका यहां तक कन्वर्ज कर सकता है लेमडा के वैल्यू के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आज के सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा वी स्टडीड सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट काइंड के लिए तो हमने पढ़ाई था और वैसे भी इजीली हो जाता है, और हमने इसके लिए क्या देखा, सब केस देखा, एप्रोक्सीमेशन और सेकेंड वन था रिजोल्वमेंट कर्नल, ओके, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्लास हम सेम चीज करेंगे किसके लिए, फॉर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।